अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आप सभी दोस्तों का, मेरे सभी कारपेंटर भाइयों का जो कटर मशीन से काम करते हैं उन सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कटर मशीन के बारे में, जो कि आप अपना प्लाई बोर्ड काटते हैं या फिर पीवीसी बोर्ड काटते हैं या एमडीएफ चराई करते हैं काटते हैं। मैं आज आपको उसका पूरा तरीका बताऊँगा, काटा उसी तरह जाता है जिस तरह से प्लाई बोर्ड काटा जाता है। सबसे पहले आपको जो मैं बात बताऊँगा, हमारे पास जो ये कटर मशीन है, मैंने जो उस पर प्लेट लगा रखी है, पहली जो प्लेट थी वो मैंने इसमें से खोल दी है जिसमें मैं ठल के अनुसार चराई करता था। अब मैंने जो उस पर दूसरी प्लेट लगाई है उसकी जो लंबाई है 10 इंच की है और जो चौड़ाई है वो 6 इंच की है, और अगर इसकी मैं मोटाई की बात करूँ ये 9 mm की मोटाई में मैंने प्लेट बनाई है। आज मैं आपको प्लाई बोर्ड का पूरा तरीका बताऊँगा चीरने का, और अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे आप हो सकता है किसी घटना से बच सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई घटना होते हुए देखी है, इसीलिए मेरे दिमाग में बात आई कि मैं आपको कटर मशीन के बारे में बताऊँ किस प्रकार कटर मशीन चलानी चाहिए और किस तरह अपना बोर्ड वगैरह काटना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप नीचे फ्लोर देख रहे हैं, हमें फ्लोर पर अपना अगर हम 8x4 का बोर्ड चीरते हैं, 6x4 का बोर्ड चीरते हैं, हमें उस पर फर्श पर सबसे पहले हमें कोई रफ सीट डालनी होगी, यानी कि प्लाई बोर्ड की। अगर आप 12 mm की 8x4 की प्लाई ले तो सबसे बेहतर होगा काम करने के लिए। अगर आप साइड पे काम करते हैं उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जब ब्लेड चलाएंगे मशीन का तो आपका ब्लेड पत्थर पर नहीं चलेगा, यानी कि फ्लोर पर नहीं चलेगा। तो बेहतर ये कि आप 8x4 की सीट कोई अगर सीट घेर ली जो आपके काम की ना हो, अगर काम की भी हो तो कोई बात नहीं, काम आ जाएगी। सबसे पहले आप अपनी सीट फर्श पर डाल लेंगे, उसके बाद आप अपने सीट की चिराई करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको अपनी कटर मशीन दिखाई और मैंने आपको ब्लेड पर इस प्रकार लगा कर दिखाया, हमें ब्लेड उतना ही निकालना है जितनी हमारे प्लाई बोर्ड की मोटाई है, वो 19 mm हो, 22 mm हो, या आपकी 15 mm हो, या 12 6 mm, जितनी मोटाई होगी आप ब्लेड उतना ही निकालना है। सिर्फ उससे आपको 1 mm फालतू निकालना है अपना ब्लेड, जो आप अपने पीस की चिराई करते हैं जिस सीट की, प्लाई बोर्ड या पीवीसी एमडीएफ की, आप जितनी मोटी चिराई कर रहे हैं बस उससे आप 1 mm फालतू निकाल लीजिए, और निकालने के बाद आप अपना सीट नीचे गिर कर उस पर चीर दीजिए। आइए मैं आपको उसका भी तरीका दिखाता हूँ। फ्रेंड सबसे पहले आपका 8 फुट का फीटा सीधा होना चाहिए। अगर आप साइड पर अकेले काम कर रहे हैं और आपको अपने फीटे में 2 कील लगा लेनी है ऊपर से, और कील लगाने के बाद आप निचली साइड में लगभग कील को 2 mm निकाल लेंगे, जिससे कि आप हथौड़े की सहायता से चोट मारकर उसे बोर्ड में धसा देंगे और आप अपने बेफिक्र होकर एक आदमी साइड पे केला कवर कर लेगा कार्य को। आइए देखते हैं। इधर आ जाओ। फ्रेंड्स मशीन चलाने से पहले आप अपने जो मशीन का वायर लगाएंगे स्विच में, वो आपके दाईं ओर होना चाहिए या बैक साइड में होना चाहिए, वो आपके लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए, वो राइट साइड में होना चाहिए और ना ही सामने से होना चाहिए, यानी कि फ्रंट साइड से। आप अपनी वायर बैक साइड से रखेंगे। हमें अपना जो पीस चीरना होगा, हम किचन के लिए 11 इंच का पीस चीरेंगे, जो कि मैं आपको चीर कर दिखा रहा हूँ। ये मैंने निशान लगाया 12 इंच पे, क्योंकि जो हमारा कटर मशीन है उसमें 1 इंच की जगह आएगी और उसमें 1 इंच के बाद आपकी लेस हो जाएगी, वो 11 इंच पे अपनी चिराई करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। इधर देखो ये नए साइज के जो कि मैंने 12 इंच पर निशान लगाया, हम अपना फीटा यहाँ पर रख देंगे और चिराई कर देंगे। उसकी मेन वजह यह है कि जो इसमें आपने प्लेट लगा रखी है इसमें आपका 1 इंच का फासला होना चाहिए। और मैं आपको एक दूसरी बात और बता दूं, जैसे कि आप कभी अपने प्लेट मशीन पर लगाएंगे, आप प्लेट लगाने के बाद जो इसका सही लेवल निकालेंगे वो आपको इस प्रकार निकालना है, आपको सीधा फिटा लेकर इस तरह से आप यहाँ पर इस पर निशान लगाएंगे और हल्का हल्का थोड़ा सा ब्लेड को घुमाएंगे इस तरीके से, जिससे कि आपको पता चल जाएगा और
ब्लेड घुमाने के बाद आप इस तरह से अपने यहाँ पर पेंसिल से निशान फेरेंगे इस तरीके से, जैसे कि मैंने पहले ही लगा रखा है। मैं आपको फिर भी लगा कर दिखा देना चाहता हूँ। इस तरीके से ये हमने निशान लगाया, ये हमें यहाँ पर एक इंच का हिसाब बनाकर चलना है। इसमें आप इसको चेक करेंगे सबसे पहले इंच टेप लेकर, जिससे कि कोई इसमें फ़र्क ना हो किसी साइज़ का। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेरा 7 सूत का हिसाब आ रहा है इसमें, और यहाँ पर भी इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें आपको जो हिसाब बनाना है वो एक इंच का हिसाब बनाना है। और अगर इसमें आपके यहाँ पर कमती बत्ती जगह होती है, इसमें मान लीजिए 1 सूत फालतू कम होगी, आप उसी अनुसार मान लीजिए यहाँ पर इसमें आपके 1 सूत फालतू है, यहाँ पर आप इसका पहले से रंधा मार देंगे और ये बिल्कुल फिर आपका जो है ब्लेड बिल्कुल मिलता हुआ चलेगा इस तरीके से, इसलिए बहकेगा नहीं। आप इस तरह से चोट मारेंगे प्लाई की पट्टी पर, कील पर चोट नहीं मारनी है आपको, क्योंकि अगर कील पर चोट मारेंगे कील और ज़्यादा काफ़ी लंबी निकल जाएगी, इसलिए हमें अपना फेटे पर चोट मारनी है। देखना फ्रेंड्स, मैंने अपने अकेलेपन की वजह से मैंने आपको एक पीस चीर कर दिखा, जो कि मैंने ब्लेड की जो लंबाई निकाली है वो सिर्फ इससे 1 mm से भी कुछ निकाली है। इस पर थोड़ा बहुत आपके निचले पीस पे निशान आएगा, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है प्लाई कटिंग करने का, आप कोई भी कार्य करते हैं चिराई में सबसे बेहतर तरीका यह है। मैं इसके अलावा आपको और भी एक दो तरीका चीर कर दिखाता हूँ। कि आप देख रहे हैं 1 mm से भी कम निशान आया, मगर इसकी कोई सी बात नहीं क्योंकि आपका नीचे का बोर्ड रफ होना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा फर्श खाली है और इस पे मेरे पास यहाँ पर कोई सीट नहीं है नीचे रखने के लिए, तो आपको 6 लकड़ी लेनी होगी, जिससे कि आप इस तरह से रख देंगे नीचे फर्श पर और अपने हिसाब से चिराई कर लेंगे। हम उसी तरीके से अपना फीटे पर चोट मारेंगे, 12 इंच का निशान लगा रहा क्योंकि मुझे 11 इंच के पीस चीरने हैं। इसमें हमें कील का ध्यान रखना है, कील पर चोट नहीं मारने, अगर कील पर आप चोट मारते हैं आपके नीचे की प्लाई में ज़्यादा ही गहरा निशान हो जाएगा और वो ठीक नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले और दूसरे तरीके में फ़र्क दिखाया, अगर आपके पास रफ प्लाई, रफ का मतलब यह है कि वो सीट हमारे काम की नहीं है, काम में लेने के लिए उस पर आप बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं, सनमाए का भी काट सकते हैं, चिराई भी कर सकते हैं। अगर आपको सनमाए की कटिंग करनी है अपनी सीट पर, जो आप नीचे काम कर रहे हैं, आप उसी प्लट कटर की साइड बना लें और दूसरी प्लट सनमाए की साइड बना लें। इस तरीके से मैंने आपको दूसरा तरीका दिखाया, अब मैं आपको तीसरा तरीका भी बताता हूँ प्लाई चीरने का। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको तीसरा तरीका चीरने का दिखा रहा हूँ, आपको इस तरह से टुकड़े लेने हैं, आपको अपना जो पीस चीरना है वो इस पट्टी के बीच में बीच चीरेंगे और यहाँ पर इसे 2 पट्टी रख लेंगे, इस तरह से 2 पट्टी रख लेंगे। हमें इस साइड में यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं रखना है, हमें इसमें यहाँ पर सिर्फ केवल 2 से 3 इंच तक का गैप रख सकते हैं, जिससे कि आपको इसमें ब्लेड सीधा चला जाए। अगर आप इसमें ज़्यादा फासला रखते हैं और आप इसकी चिराई करते हैं इस तरह से,
तो चीरने पे आपका इसमें बोर्ड पर लोड पड़ेगा, क्योंकि आप उसी पर बैठे हुए होंगे और काम करते हुए आपका बोर्ड बिछेगा, उससे आपका ब्लेड फंस सकता है इसमें। और ब्लेड फंसने से आपको जो है ना हानि भी हो सकती है, क्योंकि ब्लेड फंसने से या तो ब्लेड आपका कटर मशीन पिछाड़ी मारेगी, पिछाड़ी मारने पर आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, क्योंकि मैंने खुद तजर्बा कराया चीज़ का, मेरे भी झटका लग गया था, जिससे कि कहते हैं झटका लग गया जी। तो ये जो हमारी कटर मशीन होती है ये पीछे को चलती है तुरंत ही पिछाड़ी मार के, और वो पीछे चलने से पैर पर आ जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखा। क्योंकि मैं दोबारा फिर बोलना चाहता हूँ, मैंने ऐसा एक हादसा देखा, ऐसी घटना देखी है जिससे कि एक बंदे के पैर पर ब्लेड 3 फिर चलाए, जबकि कोई डॉक्टर ने पकड़ने से मना कर दिया। इसलिए मेरे बार में बार बार दिमाग बात आती थी कि मैं कटर मशीन चलाने का तरीका ज़रूर बताऊं एक दिन, क्योंकि मेरे से देखने के बाद 3 दिन तक के मुझे खाना अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने अपनी ये बात जितनी आपके लिए ज़रूरी है इतनी बात मेरे लिए भी ज़रूरी है। दोस्त फ्रेंड, आप इस चीज़ का जरूर ख्याल रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो पूरा देखें पूरा समझें और शेयर करना है आपको। मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ, और मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे मशीन पिछाड़ी मारती है, वो आप कभी गलती ना करना। आइए शुरू करते हैं। और हमारा 11 इंच का पीस चलो, क्योंकि हमारा कटर 1 इंच की खपत खाता है। इस तरह से ये जो मेरा 11 इंच का निशान है दोनों पट्टियों के दरमियान आया हुआ है, और इस तरह से इसकी चराई करते चले जाएंगे। उधर भी चेक कर लो, ऊपर ये भाई इस पर लगा ले, इधर इधर लगा दो, दिखाओ यहाँ। जैसा कि मैंने अपने बोर्ड की चराई करी और मेरा ब्लेड इसके बीचों बीच चलाया, जिससे कि मैंने मेरा इस पर भार भी था और मैं इसी तरह से चीरता रहा, बिल्कुल सही चीर गया, इसमें कोई ब्लेड नहीं बीचा है। अब मैं आपको अपना तीसरा तरीका बताता हूँ, जो कि हमें उस तरीके से चीरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखना फ्रेंड, जैसा कि मेरा थोड़ा पीस रह गया है, मैं अगर इसकी साइज़ की बात करूँ, ये मेरा पीस इस टाइम 14.5 इंच का रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें से 3 पीस उतार लिए हैं 11 इंच के, और ये हमारी 8x4 की शीट थी। अब हम जो अपना पीस चीरेंगे इस साइड से नहीं चीरेंगे, क्योंकि अगर आप इस साइड से चीरते हैं, मान लीजिए आपने अपना पीस यहाँ पर इस तरह से रखा, इस तरह से ये निकाल कर यहाँ पर दो पट्टी आपने रखी इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से आप अपने यहाँ पर फ्रेम रखेंगे और यहाँ इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं, मान लीजिए 1 इंच की आपकी टक्कर 2 इंच की है, और आपने फिटा लगाया और आप चला रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि इसमें एक तो आपका बैलेंस हिलेगा, दूसरी बात इसमें जो आप चिराई कर रहे हैं पट्टी नीचे चली जाएगी, और इससे आपका बैलेंस ख़राब होती एकदम से आपका पीस बैलेंस बिगड़ जाएगा और कटर जो है ना बिछ जाएगा और पिछाड़ी मार देगा, इससे भी आपको खतरा हो सकता है। इसलिए लिहाजा ये कि आपको अपना पीस जो है ना घुमा लेना चाहिए या पलट कर चीर लेना चाहिए, इस तरह जिस तरह मैं पलट रहा हूँ इस तरह से आप काम करेंगे अपना। निकालो, जैसा कि मैंने अपना 11 इंच पे, अब के मैं 12 इंच पे निशान नहीं लगाऊंगा, मैंने अपना पूरा निशान 11 इंच पे लगाया इस तरीके से, और पल्ली साइड में 11 इंच पे लगा देंगे। कहा यहाँ पर हम इस तरह से नहीं करना है, हमें अपनी पट्टी लेनी है, जैसे कि आपकी कटर मशीन है इस साइज़ की, यहाँ पर इस साइज मैं आपको ये चीर कर दिखाता हूँ सबसे पहले, और फिर उस पट्टी से मैं आपको 11 इंच का साइज चीरने का तरीका बताऊँगा। ये मेरे पास पीवीसी का बोर्ड है, मैं आपको इसमें फिटे की कटर का फिटा बनाकर दिखाऊंगा, जिससे कि जो साइज में चिराई करते हैं। मैंने अपने कटर का फिटा चीर लिया है, और मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कैसे रखते हैं। देखो
जैसे कि मेरा 11 इंच का निशान है यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको 11 इंच पे आप अपना फीटा यहाँ पर रख लीजिए इस तरीके से, अपने सीधे पीटे से मिलाकर आपको इसे रखना है यहाँ पर, और इस तरीके से आप यहाँ बिल्कुल सही सेंट पर रख लेंगे और अपना इस पर चोट मार देंगे इस तरीके से। देखना मैंने अपना फीटा चोट मार दिए और मैंने आपको दोबारा से रखकर दिखाया। अब मैं अपने साइज में बिल्कुल जो मुझे 11 इंच का अपना पीस चीरना है वो बिल्कुल मेरा 11 इंच पीस चीरेगा इस तरीके से। चला जा मैंने जैसा कि आपको अपने 8x4 की शीट में से 4 पीस 11 इंच के चीर कर दिखाए। सबसे पहली बात है जो मैं शुरू में आपको बात बताना भूल गया था, वो बात यह है कि जो आपका फीटा होगा जो इसकी मोटाई होगी वो 19 mm की कम से कम होनी चाहिए, यानी कि 0.25 इंच की मोटाई का आपका फीटा होना चाहिए, उससे आपका जो कटर प्लेट है वो बिल्कुल मिलकर चलेगी और उससे ऊपर भी नहीं आएगी। आप कोई भी चिराई करें, छोटे करें, बॉडी करें, या आप उसमें खंचा देना चाहते हैं किसी अपने बोर्ड प्लाई में, तो आपको कम से कम 0.25 इंच यानी कि 19 mm का फीटे का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे आप अपने कटर से मिलाकर चिराई कर रहे हैं। फ्रेंड मैं आपको अपना 24 इंच का लंबाई पीस काट कर दिखाता हूँ और मैं अपना 25 इंच पर इसका निशान लगाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपने फट्टे को थोड़ा आगे करता हूँ और मैं आपको अपने इस गुने से, आपने देखा होगा हमारे बहुत से भाई कारपेंटर भाई हैं या और अलग जो काम करते हैं कटिंग का, वे इस तरह से गुने लेकर कटिंग करते हैं। ये तरीका बहुत गलत है, आपको इस तरह से कटिंग नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में गुनिया बनाने का तरीका दिखाया था, ये गुनिया मैंने सिर्फ स्पेशल अपने जो है ना लगभग 10 इंच से लेकर 15 इंच तक का आप टुकड़े का अपना कटिंग कर सकते हैं इस गुने की सहायता से। और जो आप टक्कर देख रहे हैं इस टक्कर की मोटाई 19 mm ही होनी चाहिए, जो कि मैंने 6 mm बनाया है और इसके ऊपर 12 mm की पलाई लगाई है और यहाँ पर हमने जो इसकी मोटाई रखी है टोटल वो 19 mm की रखी है। आइए देखते हैं। ये तरीका मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत बेहद पसंद आया, और अगर मैं इससे चिराई की बात करूं इससे आपका कटर का बैलेंस भी ख़राब हो सकता है और इसके ऊपर को भी निकल के भाग सकता है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल से 1 mm का फनर है आपका, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि गुनिया आप इससे काम कर सकते हैं, मना नहीं करता, मगर आप गुनिया से बना लीजिए जैसे हमारा मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया, आप इस तरह से इसकी कटिंग करें। और इसी के साथ साथ मैं अगर आपसे दूसरी बात करूँ, जैसा कि आपने अपना गुने में निशान लगाया, आप इस तरह से आप अपना निशान लगाएंगे 25 इंच पर यहाँ पर और अपना पीस थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। जैसा कि मैंने ये पीस गुने में काटा है, आप इस फट्टे को भी रखकर इस तरह से भी आप अपने पीस की कटिंग कर सकते हैं निश्चित होकर। इस तरह से मैंने आपको दो पीस काट कर दिखाए जो कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल ये गुने में कटे हुए हैं और बिल्कुल इकसार कटे हुए हैं। थोड़ा नज़दीक से दिखाओ करके, बिल्कुल इनकी लंबाई इकसार है। और जैसा कि मैं आपको बारी बारी से कटिंग करके दिखा रहा हूँ, ये मैं कोई वैसा बोर्ड नहीं काट रहा हूँ, ये मेरा ही काम का कार्य का बोर्ड है और इसको मैं अपना कार्य में इस्तेमाल करूँगा। ये सिर्फ आपको समझाने और बताने का तरीका था। रही बात मेरे कटर मशीन की, जो मैं इसमें ब्लेड चलाता हूँ वो सैंड मास्टर कंपनी का ब्लेड है, जो कि क्यूमी कंपनी होती है, मैं उसका ब्लेड ही यूज़ करता हूँ। हमें जो ब्लेड यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर अपने कटर मशीन में वो 100 mm का ब्लेड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा में ब्लेड निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा जो ब्लेड होता है वो आप अगर जो कार्य करते हैं साइड पर उसमें आप ज़्यादातर 19 mm या 22 mm का प्लाई बोर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए आप इस बात का ख्याल रखें और कटिंग करते वक्त आप अपना ब्लेड उतना निकालें जितनी आपको ज़रूरत होगी, उससे ज़्यादा ना निकालें। फ्रेंड्स जो मेरा आज का टारगेट आपको दिखाना समझाना था, ये मैंने अपने दोस्त लड्डी भगत यानी कि पवन कुमार जी की फरमाइश पर उनको और आपको और खुद को कटिंग करके दिखाई, जिसकी मुझे और आपको उतनी ज़रूरत होगी।
दोस्तों आपको इसी अनुसार कटिंग करना है, बस आप अपना बहुत एहतियात और सावधानी से काम करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के दीजिए जय हिंद।